बसमिलीम अलैक्म टुडे वी विलफॉम प्रैक्टिकलफॉर्मेशन थूरम एंड सोर्स ट्रांसफ़ार्मेशन थ्यूरम में ये है कि कोई भी हमारे पास अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम ट्रांसफ़ार्म कर सकते हैं करंट सोर्स में और अगर करंट सोर्स है तो उसको वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफ़ार्म कर सकते हैं तो अभी जो हमारे पास सर्किट है, है हमारे पास और इसको हम ट्रांसफ़ार्म करना चाह रहे हैं इनटू करंट सोर्स सो करंट के लिए हम क्या करते हैं कि आई इज इक्वल टू मीन्स वी बाय आर जो सिंपल हमारे पास ओम्स ला का फार्मूला है आई इज इक्ल टू वी ओवर आर करेंगे तो ये जो है एक करंट सोर्स में ट्रांसफार्म हो जाएगा और ये जो रेजिस्टर होगा अभी अगर हम देखें वोल्टेज सोर्स में हमेशा ये रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता है विथ बैटरी सोर्स और जो करंट सोर्स होता है उसके साथ ये रेजिस्टर पैरल में कनेक्ट होता है तो अब जब हम इसको करंट सोर्स में ट्रांसफार्म कर लेंगे सर्किट को तो फिर ये जो रेजिस्टर है ये पैरल में आ जाएगा सोर्स ट्रांसफार्मेशन करने का पर्पज़ क्या है और इससे हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो इजीली uh, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं लेट्स सपोज अभी मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स था तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ये करता कि सबसे पहले मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ता और टोटल करंट फाइंड आउट करके फिर जो है मैं उस टोटल करंट को देखता हुआ कि वो कहाँ कहाँ पर डिवाइड हो रहा है और उसके बाद फिर सी डी आर मीन्स करेंट डिवाइडर रूल अप्लाई करके और, और फिर इस सर्किट को सॉल्व करता बट अब मैं ये करूँगा कि सिंपली इस रजिस्टर को जस्ट डिवाइडेड बाय टेन कर देंगे मीन्स इस वोल्टेज सोर्स को हम न्यूमरेटर uh, में रखेंगे और डिनोमिनेटर में ये रजिस्टर रखेंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा और वो करंट जो है करंट सोर्स बन जाएगा और जो ये रजिस्टर होगा उसके साथ पैरल में आ जाएगा और पैरल में आने के बाद जो है फिर हम सर्किट को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं एक तो ये बेनिफिट है दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि दो अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्सेज हैं या एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है तो हम आ, या तो ओवरऑल सर्किट में जो दो सोर्सेज लगे हुए हैं में, उन दोनों को वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट कर लें या करंट सोर्सेज़ में कन्वर्ट कर लें तो उससे सर्किट को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजीनेस हो जाती है क्योंकि दोनों एक जैसे सोर्सेज होंगे तो वो सर्किट को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा लेट सपोज 10 वोल्टेज सोर्स का यहाँ पर 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है और 5 वोल्ट का यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है दोनों अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो फिर एक वोल्टेज सोर्स से हम दूसरे को माइनस कर सकते हैं और माइनस करने के बाद फिर सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि इस सर्किट को जब हम सॉल्व करें तो हम जब आई आर एल मीन्स लोड करंट फाइंड आउट करते हैं वो करंट और जब हम इस सर्किट को ट्रांसफार्म कर लें इन टू अ करंट सोर्स फिर आई आर एल फाइंड आउट करें तो क्या वैल्यू आती है क्या दोनों वैल्यू सेम आती हैं अगर दोनों वैल्यू सेम आएंगी वोल्टेज सोर्स के साथ भी और जब हमने वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफार्म कर लिया इन टू करंट सोर्स दोनों केसेस में अगर आई आर एल मीन्स लोड करंट सेम आता है देन वी विल से ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम है वो वेरीफाई हो गया और ये वैलिड है हर सर्किट के लिए तो लेट सपोज अब हम इन दोनों को जो है सॉल्व करके इसको ट्रांसफार्म करते हैं करंट सोर्स में तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर वी ओवर आर करेंगे तो मीन्स वोल्टेज सोर्स 10 है अभी हमारे पास तो आई इज इक्वल टू वी जो है हमारे पास 10 है और 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो जो करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास वो वन एम्पेयर आ जाएगी सो वन एम्पेयर का जो करंट सोर्स है वो हम कनेक्ट कर लेंगे अभी सर्किट में ये वैल्यू वन एम्पेयर आ गई दिस इज बेसिकली करंट सोर्स और इस करंट सोर्स को अब हम सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं और सर्किट में कनेक्ट करने के बाद फिर हम देखते हैं कि आई आर एल मीन्स लोड करंट फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं कि क्या आती है तो ये हमने करंट सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर लिया सर्किट में दिस इज़ बेसिकली सिंबल ऑफ करंट सोर्स और उसके बाद जो रजिस्टर था जो अभी हमने बैटरी सोर्स के साथ लगाया हुआ था सीरीज़ में उसको हम पैरल में कनेक्ट कर लेंगे और दिस इज बेसिकली द रजिस्टर ये वाला रजिस्टर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है और बाकी का जो भी सर्किट होगा दैट विल रिमेन से मीन्स ये सारा का सारा जो सर्किट है ये ऐसे ही हमने सेम अरेंजमेंट में कनेक्ट करना है ठीक है तो यहां से अब हम पॉइंट्स लेंगे और इन पॉइंट्स के बाद मीन्स अभी हमने जस्ट इन दो चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है बाकी का जो भी सर्किट है कंप्लीट वो सेम है सो तो अब हम वही सेम सर्किट यहां पर कनेक्ट किए तो पैरेलल में आ गया पैरेलल में आने के बाद 10 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो 10 ओम का रेजिस्टर ये वाला रेजिस्टर है और उसके बाद 5 ओम का रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं देन अगेन वी हैव एन अदर रजिस्टर ये हम कनेक्ट कर लेंगे एंड फाइनली वी हैव आर एल और आर एल भी हम कनेक्ट कर लेते हैं ओके सो टेन ओम का रजिस्टर ये था और टेन ओह का ही रजिस्टर ये है एंड फाइव ओह का रजिस्टर ये है ओके okay, और टेन ओह का रजिस्टर ये है एंड आल्सो वी हैव आर एल देट इज एकम तो ये जो है सर्किट इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू अ करंट सोर्स ओके देन ओके आफ्टर दैट अब हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है तो ये वन एम्पेयर जो है करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास वन एम्पेयर ये वन डिवाइड होगा इस पॉइंट तक तो ये सेम रहेगा ये डिवाइड होगा इस ब्रांच में और यहाँ पर डिवाइड होगा लेट्स सपोज ये जो करंट है यहाँ पर जो आ रहा है क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है और फिर फर्दर देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है एंड देन फाइनली यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ पर डिवाइड होगा ठीक है सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस करंट और उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि सी डी आर अप्लाई करना पड़ेगा और सी डी आर अप्लाई करके हम इस पॉइंट पे जो भी करंट इस पॉइंट से गुजर रहा है वो करंट फाइंड आउट करेंगे वो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ तक का जो भी रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है यहाँ तक का जो भी रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है ओवरऑल और अगर यहाँ तक का रेजिस्टेंस अगर हम देखें ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन सॉल्व होके हमारे पास आंसर आएगा वो फाइव आ जाएगा फाइव प्लस फाइव टेन हो जाएगा और वो टेन ओम का रेजिस्टर इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा सो टेन मल्टीप्लाइड विद टेन एंड डिवाइड बाई टेन प्लस टेन तो ये भी फाइव आंसर आ जाएगा मीन्स ओवरऑल यहाँ तक जो रेजिस्टेंस बनता है दैट इज़ इक्वल्स टू फाइव ओम अब हम इस सर्किट को रिड्यूस uh, करके लिख लेते हैं कि यहां तक जो रजिस्टर बना रजिस्टेंस uh, ओवरऑल आया वो और ये वाला रजिस्टर जस्ट कनेक्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम ये वाला करंट फाइंड आउट करेंगे और ये वो सेम करंट होगा जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन uh, से हमारे पास रेजिस्टेंस की आउटपुट आई उससे गुजर रहा है सो so, अभी इस सर्किट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं okay, इन पैरेलल और इस रेजिस्टर के बाद जो है एक और रेजिस्टर हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन आया है उसकी मदद से आ गया तो ये रिड्यूस सर्किट है ये टोटल करंट यहां से फ्लो हो रहा है और टोटल करंट जो कि वन एम्पेयर है यहां तक तो कोई चेंज नहीं आ रहा है हमारे पास वन एम्पेयर ही करंट रहता है और ये वन एम्पेयर डिवाइड होगा अब यहां पर और यहां पर बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस करंट और पर्टिकुलरली दिस करंट ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का करंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसको लेट सपोज हम आई ए कह देते हैं इस पॉइंट के करंट को तो आई ए विल बी इक्वल्स टू अपोजिट रेजिस्टर जो भी कनेक्टेड है दैट इज़ टेन ओम और टेन ओम के बाद फाइव uh, ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पर और इसका जो कॉम्बिनेशन है अब हम सॉल्व करेंगे बाई अप्लाइंग सी डी आर तो सी डी आर जब अप्लाई करेंगे वी विल गेट मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट रजिस्टर इसका जो अपोजिट रजिस्टर है ये आई ए है आई ए का जो अपोजिट रजिस्टर है दैट इज ओ होम रजिस्टर तो मल्टीप्लाइड विथ टेन कर देंगे एंड देन डिवाइडेड बाई फाइव प्लस टेन के दोनों रजिस्टर का जो सम है वो हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में दिस इज आई एके तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी जीरो पॉइंट डबल सिक्स सेवन राउंड ऑफ करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी जीरो पॉइंट डबल सिक्स सेवन एम ओके दिस इज बेसिकली आई ए आई ए हमें मिल गया जो कि ये वाला करंट था अब ये करंट फर्दर डिवाइड होगा यहाँ पर और यहाँ पर बट अगेन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस करंट दैट इज आई बी ओके आई बी फाइंड आउट करने के लिए ये करंट चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और इसके अलावा ये अपोजिट रेजिस्टर बन जाएगा और ओवरऑल ये रजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो ये रेजिस्टेंस क्या है टेन इन टू टेन जब इनको हम कॉम्बिनेशन इनका सॉल्व करेंगे वी विल गेट फाइव ओम रेजिस्टर तो फाइव ओम और ये फाइव ओम टेन ओम का रेजिस्टर बन जाएगा क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन आया इस वैल्यू का जो रेजिस्टर होगा दैट विल बी इन सीरीज़ विद फाइव ओम रजिस्टर इस सर्किट को अगर हम रिड्यूस करके लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं Okay, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है उसके बाद ये रेजिस्टर और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिखना है सो टेन इंटू टेन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को डिवाइडेड बाय टेन प्लस टेन फाइव आंसर आ गया फाइव प्लस फाइव टेन हो गया टेन ओम का रजिस्टर अब हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे जो कि कॉम्बिनेशन से आंसर आया ओके okay, ये जो रजिस्टर है दैट इज आल्सो टेन ओम, और ये हमारे पास करंट था आई ए जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया रजिस्टर अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको हम रहने देते हैं इसकी वैल्यू जो भी है ओके वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस करंट एंड दैट इज आई बी सो आई बी विल बी इक्वल्स टू वाट टोटल करंट दीरो पॉइंट डबल सिक्स सेवन इन दिस केस डिनिनेटर में हमारे पास ट्वेंटी आ जाएगा दोनों का हम करेंगे टेन प्लस टेन सो वी विल गेट ट्वेंटी ओके okay, अब जो आंसर आएगा वो हाफ हो जाएगा क्योंकि दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं तो करंट जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा सो वी विल गेट जीरो पॉइंट डबल थ्री फाइव एम्पेयर डबल थ्री फोर कर लेते हैं ओके okay, अब ये रेजिस्टर आ गया जो कि आई बी से फ्लो ये करंट आ गया जो आई बी करंट है जो इस रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है सो so, अगर मेन सर्किट में चलें तो अभी हमने आई बी को फाइंड आउट किया है और आई बी करंट जो है वो ये वाला है अभी हमने फाइंड आउट करना है आई आर एल तो आई आर एल के लिए अभी हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है आई आर एल विल बी इक्वल्स टू वाट ये टोटल करंट है अब आई आर एल के लिए सो आई आर एल विल बी इक्वल्स टू टोटल करंट पॉइंट डबल थ्री फोर मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट रेजिस्टर मेन सर्किट में जो अपोजिट रेजिस्टर है वो ये वाला है दैट इज अगेन टेन ओह एंड डिवाइडेड बाई टेन प्लस टेन ट्वेंटी हो जाएगा टेन प्लस टेन क्यों किया क्योंकि ये दोनों रजिस्टर टेन और हम की वैल्यू के हैं सो आफ्टर दैट इसको जो हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट अ वैल्यू ऑफ पॉइंट वन डबल सिक्स सेवन फाइव ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉइंट वन डबल सिक्स सेवन फाइव एम्पेयर तो ये हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आंसर जो है वो यहाँ पे अभी हमने निकाला है और इस आंसर को अब हम वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग मल्टी सिम हम ये करेंगे कि वोल्टेज सोर्स का सर्किट भी बना लेंगे और करंट सोर्स जो अभी हमने यहाँ पे सर्किट बनाया है इस करंट सोर्स का सर्किट भी बना लेंगे और फिर देखेंगे कि आर एल से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज सेम आर नॉट कि जो हमने कैलकुलेट किया है अभी हमने करंट सोर्स के थ्रू कैलकुलेट किया है वहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स के थ्रू भी आंसर देख लेंगे कि आंसर क्या आता है और ये वाला तो हमारे पास ऑलरेडी आंसर है तो दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम आने चाहिए ये मल्टी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है और अब हम मेन सर्किट जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है ये सर्किट है सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स के साथ ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम करंट सोर्स के साथ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो जो रेजिस्टर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इसी तरह जो सेकंड सर्किट होगा उसके लिए भी फाइव रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे टू थ्री फोर एंड फाइव ओके सबसे पहले वोल्टेज सोर्स वाला सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लेस सोर्स में आएंगे पावर सोर्सेस डीसी पावर ओके ये वोल्टेज सोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया एंड ये रजिस्टर सीरीज में था एंड देन रजिस्टर यहां पर इस तरह कनेक्टेड है तो ऐसे ही अरेंजमेंट में हम इनको रोटेट कर लेते हैं ओके देन दीज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल रोटेट कर लेते हैं Okay, ये सर्किट कंस्ट्रक्ट हो गया वोल्टेज सोर्स के साथ अब हम मल्टीमीटर एक सिलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीमीटर को हम कनेक्ट करेंगे विथ लोड रजिस्टर जो कि ये वाला रजिस्टर है कि की जो भी वैल्यूज हैं वो सेट कर लेते हैं यहाँ पर टेन टेन फाइव टेन टेन अगेन वी हैव टेन ओम ओके वोल्टेज सोर्स जो हमने कनेक्ट किया है आप फिर इट इज़ इक्वल्स टू टेन बॉल्स इसको भी हम सेट कर लेते हैं टेन बॉल्स वहीं नीड अ ग्राउंड एस वेल तो ग्राउंड हम जहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं ग्राउंड कनेक्ट करेंगे

यही वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वहाँ पर ये मिली एम्पेयर में आ रही है मिली एम्पेयर तो हम एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे सो वी विल गेट पॉइंट सिक्स सेवन एम्पेयर ओके अब हम जो सेकंड सर्किट है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड देन हम कंपेयर करेंगे दोनों की वैल्यूज को कि दोनों की वैल्यू सेम आती हैं या नहीं आती ओके okay, अब हम करंट सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं दिस इज बेसिकली करंट सोर्स डीसी करंट ये हमने सेलेक्ट कर लिया एंड रजिस्टर uh, हमने पैरल में कनेक्ट करना है इस करंट सोर्स के साथ ये एंड देन बाकी का जो सर्किट है दैट विल रिमेन्स एम ओके सो इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं that is this resistor, और ये रजिस्टर अब यहाँ पर ऐसे ही कनेक्ट होगा सेम अरेंजमेंट में आफ्टर दैट ये दोनों रजिस्टर पैरल में कनेक्टेड हैं आपस में रोटेट करेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर एक कनेक्ट कर लेते हैं टू फाइंड आउट करंट थ्रू दिस रेजिस्टर दैट इज लोड रेजिस्टर के रेजिस्टर्स की वैल्यू सेट कर लेते हैं टेन ओम का रेजिस्टर था तो यहां पर 10 ओम सेलेक्ट कर लेते हैं दिस वाज आल्सो ऑफ टेन ओम रेजिस्टर ये 5 ओम का रेजिस्टर था ये अगेन 10 ओम का रेजिस्टर था ये भी 10 ओम का रेजिस्टर ये वन एम्पेयर ही करंट सोर्स था हमारे पास जो करंट हमने फाइंड आउट किया था इन दोनों की हेल्प से लाइक आई इज वी बाई आर किया था तो वन एम्पेयर ही आया था और इसके साथ भी एक ग्राउंड हम कनेक्ट कर लेते हैं पावर सोर्सेज एंड गट को भी ग्राउंड कर देते हैं ग्राउंड करने के बाद अभी हम सिमुलेट करते हैं मल्टी मीटर्स आर गिविंग द सेम वैल्यू मीन्स बहुत दीटर्स आर गिविंग द सेम वैल्यू ऑफ़ करंट तो जब दोनों रेजिस्टर्स जो है सेम वैल्यू ऑफ करंट दे रहे हैं इट मींस कि हम किसी भी वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफार्म कर सकते हैं इन करंट सोर्स एंड वी कैन आल्सो ट्रांसफार्म द करंट सोर्स इनटू टू वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना होगा तो फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इस करंट uh, की वैल्यू को विथ अ रजिस्टर तो हम हमारे पास जो है वोल्टेज सोर्स आ जाएगा अभी हम ये करते हैं कि जो हमने फाइनल सर्किट यहाँ पे फाइंड आउट किया था ये सर्किट था यहाँ पर टेन ओम का रजिस्टर था और यहाँ पर वन एम्पेयर था तो जो अगर हम अब वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसको रिप्लेस करना चाहते हैं करंट सोर्स को विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज सोर्स उसके लिए हम यही करेंगे कि जो वोल्टेज का फार्मूला है वी इज इक्वल टू आई इन टू आर मीन्स जो करंट है उसके साथ जो भी रजिस्टर पैरल में होगा इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे सो वन एम पेयर मल्टीप्लाइड विथ टेन ओम होम सो वॉट वी विल गेट वी एस इक्वल्स टू टेन और यही हमारा जो मेन सर्किट था उसमें वोल्टेज की जो वैल्यू थी दैट वॉज टेन वोल्ट तो इस तरह से जो है हम वोल्टेज सोर्स में भी ट्रांसफार्म कर सकते हैं किसी भी करंट सोर्स को और किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफार्म कर सकते हैं सो द आंसर विल रिमेन सेम चाहे जिस रजिस्टर से हम करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जिस रजिस्टर के थ्रू भी करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं या जिस रजिस्टर के करास वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं दोज विल रिमेन सेम चाहे हम करंट सोर्स के साथ कैलकुलेशन करते हैं चाहे हम वोल्टेज सोर्स के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो विद अवर ईज़ के हम अपनी ईजीनेस के हिसाब से देखेंगे कि हमें इस सर्किट को किस तरह से ट्रांसफार्म करना है आया करंट सोर्स को ट्रांसफार्म करना है वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफार्म करना है करंट सोर्स में सो जिस तरह हमें इज़ी लगे सर्किट को सॉल्व करने में तो उस तरह हम uh, वो मेथड जो है अप्लाई कर सकते हैं मींस वोल्टेज सोर्स से जा सकते हैं करंट सोर्स में और करंट सोर्स से हम जा सकते हैं वोल्टेज सोर्स में और फिर सर्किट को सॉल्व करके अपनी इजीनेस के हिसाब से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं सो दिस वाज ऑल अबाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्यूरम और आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो uh, इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़